Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is what 6:20 a.m. in the morning from Phuket, and I just got ready. Let's shoot you. Hamara aaj Phi Island and other few islands wala day hai, and this is actually the last second day. तो सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि कल एनिवर्सरी थी एंड लास्ट नाइट वी बोथ वर पार्टिंग. लेकिन वी हैव बुक दिस एंटायर थिंग एंड वी वर रियली इंक्लाइंड, और इसीलिए मैंने ये दो छोटी भी कराई हैं. आज से फर्स्ट वी गोना गो टू, कहाँ जाएंगे सर? माया बे पहले ना. फर्स्ट वी आर गोइंग टू अबाउट 3-4 आइलैंड, फ्रॉम माया बे टू फीफी टू फ्यू मोर. और वहीं पे हमारा लंच है, वहीं पे देयर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट वी आर थिंकिंग टू डू. हसन माइट डू स्नॉर्कलिंग, व्हिच आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल, ही विल, बट देखते हैं. सो कम अलोंग विद अस एंड स्पेंड अ डे एट फीफी आइलैंड. कम टू पिक अस, हेलो. ओके, तो हम लोग जा रहे हैं फीफी आइलैंड एज आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग. और आज का सफर बहुत लंबा होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सारे आइलैंड सारी जगह घुमाने के लिए. थैंक यू. टुडे योर नंबर 8. ओके, वेरी गुड. तो यहाँ पे हमें और यहाँ मीटिंग पॉइंट पे आने के बाद हम लोग के इंश्योरेंसेज हुए और हम लोग को ये बैंड्स मिले जो हमारी पहचान है. अच्छे से लगाना. अरे पूरा वाइट हो गया बाबू, सब जगह नंगे हो गए हैं यहाँ पे लोग. सब लोग अपने अपने सनस्क्रीन लगा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. गाइस, वेयर योर सनस्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट. मुन्ना काले हो जाओगे, मुन्ना यहाँ से काले पसंद होके जाओगे. पर नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं. फिलहाल हसन ने भरे पेट पे भी भर भर के नाश्ता किया है. यहाँ पे बहुत पाप पड़ेगा. ओके, लेट्स गो. तो हम लोग बैठ गए हमारी कैटमरान में, और हमें वी हैव गॉट दीज बैग्स टू पुट आवर फुटवेयर, वी हैव गॉट अ बॉटल, वी हैव गॉट अ लाइफ जैकेट. सो नहीं, शिरीन ने थूका नहीं है, आयरन कुर्सी है. अब तो इतनी बड़ी वाली बोट कराई है, वरना तो मैं तो स्पीड बोट में आता. भाइयों, मेरी जान सूखकर गले में आ चुकी थी. मुझे इतनी सुपर वाली सी सिकनेस हो रही थी, मतलब लहरें देखो तो मैं ऐसे मोटी मोटी थपेड़े मार रही थी बिल्कुल ही, कि मैं क्या बताऊं. और यहाँ पर मैं अकेली नहीं थी, मुझे से और भी लोग थे जो चाह रहे थे कि हमारी कैटामरान किसी भी तरीके से यू टर्न ले ले. और अब ये मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि मुझे लगा था कि हम आइलैंड्स हॉपिंग करने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे समुंदर के ऊपर चलना पड़ेगा. आई कांट टेल यू मेरी कितनी फटी हुई थी. अच्छा.
चेहरे की मुस्कुराहट पर बिल्कुल भी मत जाना। मेरी हालत एकदम पतली हुई हुई थी क्योंकि लिटरली ये पाथवे ऐसा बनाया था जैसे मैं समुंदर पर चल रही हूँ एंड इट वॉज मूविंग विद द वेव। मेरी जाने से पहले ही सारा एक्साइटमेंट खुश हो गया था देखकर। सो प्लीज बी अश्योर्ड व्हेन बिफोर। Guys, our first stop is Kosand Beach, जिसमें दो सांड आए जो यहाँ पे अभी तक सिर्फ चप्पल ही बदल रहे हैं और हमारा टाइम पूरा हो चुका है और मुझे सुसू आ गई थी तो हम अब बस टाइम हो गया वापस जा रहे हैं। हाँ बंद है। हाँ इनको भी चप्पल बदलनी है। क्यों ना बदले, मेरा बैग खराब हो गया यार नया का नया। पता हम वहाँ लेंगे आप फोटो अपना। नहीं है प्यार है तू मेरी दिलदार है जो चुतिया आए हैं यहाँ पर गाना गाते हैं। इस बीच पे टाइम स्पेंड कर नहीं रहे हैं एज इन कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे क्योंकि हाँ बिकॉज वी आर सेविंग इट फॉर बिगर बीच। एग्जैक्टली कहते ना रेस में लंबा भागना है तो शुरू कंट्रोल में करो। कौन कहता है ये कौन लोग हैं? हम थे ना। मैं तो स्टार्टिंग में बहुत तेज भागता हूँ एंड में भी फर्स्ट आ रहा था फिर भी यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। हाँ ये मच्छी खुली पड़ी है तली हुई। अरे ये तो अंदर से भी खुली हुई है। हाँ तो सब लोग चेंज कर रहे हैं। मैं चट्टी पे चढ़ना पड़ रहा है। हाँ तो अभी वो अपनी वाली आएगी ना कौन सी सुनामी कहाँ है तुवानु ट्रैवल लोग उसमें जाएंगे। स्पाइडरमैन तो बुलावा आया है। मंकी बीच ने बुलाया है। श्री लोग ना हमारे ब्लॉग देखना बंद कर देंगे इतने गंदे गंदे जोक्स मारते हैं। तो आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। द बोट दैट वी आर ट्रैवलिंग इज कॉल्ड कैटामरान। इट्स अ बिग साइज बोट एंड इट्स अ प्रीमियम बोट। इसलिए हमने थोड़े से पैसे ज़्यादा दिए हैं क्योंकि इसमें बोट के डूबने की प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर होती है। प्लस इट्स द फास्टेस्ट बाकी स्पीड बोट के कंपैरेटिवली। सो इफ़ यू वांट टू चूज समथिंग प्रीमियम प्लीज़ डू गो फॉर इट। फाइनली पहुंच गए हमारे फेवरेट स्पॉट पर टू द फीफी आइलैंड। ओके चलो रेड टीम। ये तो रेड टीम ब्लू बन के घूम रही हो। तो गाइस हम लोग आ गए हैं फीफी आइलैंड मेन फीफी आइलैंड पे और अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए और हमारी इंस्ट्रक्टर वो है तो हमें उसी को फॉलो करना है। मैंने ये चेंज कर लिया नीचे अपना कच्छा पहन लिया आज इन स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया मैंने एंड वी आर गोइंग आफ्टर दिस टू स्विमिंग एंड स्नॉकलिंग।
चाय कॉफ़ी का प्रबंध है, फ्रूट्स का भी प्रबंध है। व्हाट आर यू टेकिंग? यस, अलग अलग सेक्शन। रही श्री की खाने की प्लेट और ये मेरी, क्लियरली यू कैन सी द डिफरेंस। तो नहीं, हेलो, ये तो खा रही हूँ रोज अंडा। टू गाइस, खाना खा लिया है, फट रहा है, फट रहा है और कुछ ज़्यादा ही। 20,000 रुपये लगा के खाना खाने में। हाँ, 20,000 रुपये। हाँ एग्जैक्टली, उसके ज़्यादा ही है और उसको ओके, लेट्स गो। गाना करेंगे, खुदा जाने मैं। हाँ फिर, अच्छा ठीक है फिर, चलो ना, बताओ ना बाबू, आओ ना उस तरफ चलते हैं और पानी में गोदे मारते हैं। खूब सारी रील बना के फोटोज खींच के हम लोग अब थोड़ा सा चिल करेंगे, बट लुक एट द व्यू, मेजमराइजिंग। ये इतने ऊँची ऊँची, ये वही जगह है जहाँ पर वो अपने गाना सुना होगा अनजाना अनजाने का, खुदा जाने के मैं फिदा हूँ। यहाँ हुआ था रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का। यहाँ की सैंड एकदम वाइट है यार, बहुत अच्छी सैंड है। ये क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5 तो हो गई थोड़ी। हसन स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। हसन ये व्यू ज़्यादा अच्छा है, इधर जाओ ना। लेकिन इनको एक्चुअली अंग्रेज लड़कियों के बीच में ही जाना है, इसलिए इस साइड जा रहे हैं, व्यू वाली जगह नहीं जा रहे हैं। हाँ उधर जाओ। हाँ चलो, मुझे पता है आपको कहाँ जाना है। नहीं जाइए जाइए, करो तो, इतनी देर में तो बुलावा आ जाएगा हमारा। आती है ना? हाँ करो ना, जा मेरी जान, डांस कर मेरी जान। हम लोग यहाँ की लोकल कोला पी रहे हैं। कैसी है श्री? ठीक है, इतना गंदा मेरा मुंह ले रहे हो, लेकिन अच्छा मुंह है, भी तो लिया जा सकता है। कैसी है श्री? अच्छी है। मैंने पूरे इतने ये जो 2000 के मैंने बाल कराए कल, घोड़े की नाल बन गई है, ये गीला हो चुका है, इससे पानी टपक रहा है। और मैं ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पी रहा हूँ कोला। So apart from a lot of other services, so basically you can also book this long tail boat जहाँ पर एक photographer होता है, वो आपको within the scenic background वाली जगह पर लेके जाएगा। They'll do your family pictures and your couple photo shoot। तो अगर आपको कुछ ऐसा कराना हो तो जाओ, book करो, पैसा दो और मज़े करो। और लड़का हमारा जाने को तैयार, फुल ऑन। और बहुत ही सही वाइब है यार यहाँ पर, दिस इज सो कूल, ब्लू क्लीन वाटर, व्हाट एल्स यू वांट, लगून वाटर। हम लोग फीफी लगून में, उनको क्या हो गया पीछे, माता आ गई। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लगून में कूदने का, स्विमिंग करने का, और मैं इससे पहले कुछ सोचता, इन्होंने मुझे धक्का ही दे दिया। You sure? Yes. You wanna jump? I jump now. Yes. Okay, let's go for it, Hasan. यहाँ खड़ा हूँ, रील बना रहा है। रील भी बन रही है, वो भी बन रहा है। 1, 2, go for it. Woo!
हसन चले गए और अभी इतना जोश आ गया उनको कि वो सीधा कूद गए. पहले वो सोच रहे थे मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, फीट काउंट कर रहे थे मीटर, बट नाउ ही इज़ अंडर द वाटर. वाटर बेबी इज इंजॉइंग. वापस बोलना क्या हुआ? Guys, I am in the lagoon. पानी का कलर देखिए आप. I mean it's too good, isn't it? और ये पहाड़ियों के बीच में एकदम कोई बात नहीं, यू आर डूइंग अ गुड जॉब टेकिंग माय पिक्चर्स. ओके अब स्विमिंग तो हो गई, नाउ कम अलोंग विद मी फॉर अ गुड स्नॉर्कलिंग सेशन. I'm the daredevil. Yeah, yeah. Let's change your YouTube name to daredevil. अरे लगा लो भाई, पानी लीक नहीं हो रहा इसलिए. तभी. स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस तो अल्टीमेट था और सारी एक्टिविटीज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं माया भाई की तरफ. इतना अलग है, तभी तो कह रही हूँ. अब हम आ गए माया बे के बैक साइड पे. राइट तो सुलभ शौचालय था, सुलभ शौचालय था राइट. सही जा रहे हम. वेलकम टू माया बे. ए माया, ए माया चल बे डाले. ओ माय गॉड, दिस इज सो गुड. यस 100%. And now we are heading back to our port क्योंकि यहाँ पर बस 20 मिनट रुकने के लिए अलाउड था. एंड आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें. मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्द क्योंकि शरीर भी थक गई हैं. एंड आई होप आप लोग को मज़ा आएगा ये ब्लॉग देख कर. बाय बाय.